कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं राधिका ढोंडियाल एक बार फिर आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस ढोंडियाल में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलो दोस्तों, करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी से, 12 बजने ही वाले हैं। 12 बजने में ओनली 5 मिनट ही रह गए हैं, फिर 12 बज ही जाएगा, है ना दोस्तों? तो आज ना मैं अकेली ही हूँ घर पे। पापा भी सुबह 7 बजे चले गए थे और मधु स्कूल गई और पापा को कहीं काम से जाना था तो पापा भी चले गए। तो मैंने उनको नाश्ता वगैरह करवाया, मधु को भी और पापा को भी। फिर उसके बाद वो दोनों चले गए थे और फिर मैं ऐसे थोड़ी देर लेट गई। मैंने बोला इतनी जल्दी से भी करना क्या है, और तब मैं 9:30 के समथिंग ही उठी। वैसे नींद नहीं आई, ऐसी लेटी हुई थी। एक बार नींद खुल जाए ना फिर दोबारा नींद नहीं आती। तो फिर तब मैंने काम वगैरह किया, चाहे अकेले रहो चाहे ज़्यादा लोग भी रहे, फिर काम तो करना ही पड़ता है, काम तो हो ही जाता है डेली की तरह। फिर आज थोड़े बहुत कपड़े भी थे क्योंकि मैंने कल भी कपड़े नहीं धुले थे, कल मम्मी और आए थे तो फिर ऐसे हो गया। और परसों ना मैंने कपड़े धुले थे, ज़्यादा थे वो। और फिर कल परसों ना धूप भी नहीं थी, कल थोड़ी बहुत थी, लेकिन मैं कपड़े डालना भूल गई थी छत पे, वो भी अभी पूरी तरीके से सूखे नहीं और वो कल से ऐसे पड़े हैं। तो उनको भी डाल लेती हूँ, फिर जो मैंने अभी धुले उनको भी डाल लेती हूँ साथ में। और मधु तो अभी 1 बजे ही आएगी स्कूल से, और मतलब थोड़ी देर में फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। तो कसम से आज ना इतना बेकार लग रहा है ना, क्योंकि इतने बड़े घर में मैं अकेली हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। तो देखते हैं क्या होता है, ब्लॉग में बने रहिए। अभी लंच का भी कुछ नहीं पता, मधु का टाइम है 1 बजे वो आ जाएगी। देखते हैं तब तक कुछ सोच लेते हैं कि क्या बनाते हैं। फिलहाल तो मैं कपड़े वगैरह डाल के आती हूँ छत पे। और भाई आज धूप इतनी गंदी धूप है ना, ये देखो मुँह पे भी ऐसे आ रही है ना। मैंने ये वाला गेट खोला हुआ है, देखो दिख भी नहीं रहा बिल्कुल, बहुत अच्छी धूप है आज। तो चलो पहले कपड़े मैं डाल लेती हूँ, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आया लंच में कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा पुलाव बना लेती हूँ। तो मैंने नॉर्मल पुलाव मैंने चढ़ा लिया है, क्योंकि हम दो ही जने हैं, हम मैं और मधु, पापा तो शाम को ही आएंगे। तो फिर दाल चावल भी डेली दाल चावल भी अच्छा नहीं लगता है, वैसे भी खाने वाले हम दो जने। तो मैंने बोला चलो आज पुलाव बना लेते हैं, है ना दोस्तों? तो दोस्तों मधु आ गई है, अब मैं उसके लिए गेट नहीं खोलूंगी, आज तो भारी रहेगी, भारी रहे। देखो इस कोने से देख रही है, नमस्ते बोल पहले, बोल। तो छोटी बच्ची को माफ कर लिया मैंने, इसके लिए गेट खोल दिया था। तो दोस्तों फिर दिन में खाना खाने के बाद ऐसे थोड़ी देर आराम किया, और धूप बहुत अच्छी लगी थी। छत पे नहीं गए, हमारे गेट के सामने ही आ जाता है, अंदर धूप आ जाती है तो हम थोड़ी देर यहीं पे बैठे रहे। फिर मधु तो पढ़ाई करने लग गई थी, तो फिर मैं अंदर चली गई अपने रूम में, थोड़ी देर ऐसी लेटी रही। तो अभी वो ट्यूशन गई, फिर मैं लॉक लगाने गई बाहर दरवाजे पर, तो वो चली गई है ट्यूशन। टाइम हो रहा है 4:05 हो चुके हैं। तो सुबह के मैंने कपड़े डाले थे, मैं अभी नहीं लाई हूँ, मैंने बोला आज अच्छे से ही सूखने देती हूँ। तो चलो चलती हूँ अब छत पे, पहले उनको ले आती हूँ, मिलती हूँ मैं आप थोड़ी देर में। और अभी चाय तो नहीं बना रही मैं, क्योंकि अकेले पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। जब मधु आ जाएगी ट्यूशन से तो तभी बनाऊँगी चाय। तो चलो चलते हैं, फिलहाल पहले कपड़े उतार लेते हैं। तो दोस्तों मधु तो आ गई थी ट्यूशन से, उसके बाद उसने चाय बनाई और हमने चाय पी। तो अब टाइम 6 बज ही गए हैं, अभी मैंने हाथ पैर धुल लिए हैं क्योंकि अब हो गया पूजा का टाइम, आज पापा नहीं, नहीं तो पापा ही कर लेते हैं। तो चलो पहले चलते हैं मंदिर में, थोड़ा धूप जलाते हैं, तो फिर खाने का बंदोबस्त भी करना है क्योंकि पापा भी अभी तक नहीं आए। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों सब्जी तो मैंने बना ली है, सब्जी में बनाई है आज मैंने सोयाबीन की बड़ी और आलू। तो आटा भी गूंद लिया है,
और टाइम हो रहा है अभी 7:15 हो गया है और पापा अभी नहीं आए हैं, तो आने वाले हैं। अभी कॉल किया था तो बोल रहे थे कि आने वाला हूँ, और आटा तो गूंद ही लिया है, तो रोटी तब थोड़ी देर में ही बनाऊँगी। करते हैं पापा का वेट, तब तक टाइम पास के लिए टीवी लगा लेती हूँ। तो चलो, तो दोस्तों खाना वगैरह एक बार फिर हमारा हो चुका है। पापा आ गए थे 7 बजे, 7:30 हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने पापा के लिए रोटी बनाई, फिर खाना वगैरह खाया, फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, फिर ऐसे हो गया। तो फिर जल्दी जल्दी पापा को खाना वगैरह खिलाया, हमने भी खाया। अभी टाइम हो रहा है 9:15 भी नहीं हुआ है, अभी 9:10 हो रहा होगा मेरे ख्याल से, और ठंड हो रही है ना दोस्तों। तो आज का दिन हमारा कुछ ऐसे ही रहा। आज मैं कसम से बहुत ज़्यादा बोर हुई क्योंकि मैं अकेली ही थी घर पे। कल तो मेरे ख्याल से मधु की ऑफ है, तो पापा तो कल भी जाएंगे, तो देखते हैं कल क्या क्या होता है। आप लोग तो डेली ब्लॉग में बने ही रहते हो, है ना दोस्तों। तो चलो अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आप सब लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ। तब तक ले बाय बाय।